नारायण टीएस सरकार मित्रपरिवारा वतीन सोलापुर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघातील अपक्ष उमेदवार तौफिक पैलवान यांना पाठिंबा देण्यात आला। सोलापुरातील तेलंगी पाच्छापेट रॉयल हॉटेलच्या पाठीमागे सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार तौफिक शेख यांच्या कॉर्नर मीटिंगचं आयोजन करण्यात आलं होतं। ही कॉर्नर मीटिंग याराना टीएस सरकार मित्रपरिवाराच्या वतीनं घेण्यात आली। या प्रसंगी उमेदवार तौफिक शेख यांचं फटाक्यांच्या आतषबाजीत उत्स्फूर्तपणे स्वागत करण्यात आलं। यावेळी प्रचंड घोषणाबाजी करण्यात आली। या प्रसंगी ख्वाजा शेख आसिफ सय्यद सादिक सोफी अरबाज शेख हुजैब बागवान मोहम्मद जमखंडी वसीम मोईन इमरान मशाक अफान समर्थ ईश्वर दीपक मजहर दौला अप्पा पिंटू दामोदर फारूक अब्रार जुनेद शाहनवाज शोहेब अयान सरकार सलीम सलीम सर फईम मुदस्सर यांच्यासह तेलंगी पाच्छापेटेतील नागरिकांची उपस्थिती होती। दरम्यान अपक्ष उमेदवार तौफिक शेख यांनी शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघाच्या विकासासाठी मी कटिबद्ध आहे, मी विकासाचा मुद्दा घेऊन तुमच्या समोर आलेलो आहे, जातीयवादी पक्षांना थारा देऊ नका, शहर मध्य आपला आहे तो आपलाच असू द्या असं सांगितलं। शहर मध्य सोलापूर शहर जिल्हे हर एरिया में अपने अपने पार्टी पक्ष लोग प्रचार कर रहे हैं और मैं आपको एक बताऊंगा, जो भी उम्मीदवार रहता वो अपने अपने पक्ष की अपनी पार्टी की खुद की तारीफ करता, कभी ये नहीं बोलता कि वो दूसरे पार्टी का उम्मीदवार अच्छा है अपक्ष उम्मीदवार अच्छा है। तो मुल्ला सर ने अभी कुछ बात बताई, मुल्ला सर को मैं बोला हाँ सर मेरे काम की बात है, कोई बोला 5 करोड़ लिए 10 करोड़ लिए। भाई देखो पहले बोलते है कि आप फॉर्म मत भरो, बाद में बोलते पार्टी मत दो, अगर कुछ लोगों की हम बात नहीं सुने तो ऐसा बोलते हैं कि वो पैसे लोग ठहरे रहेंगे। भाई इसका खुलासा करो, अगर आपके पास सबूत है तो लाकर दिखाओ, मैं 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई लोकसभा के डर पर उन्होंने अपनी ये बात रखी थी सबके सामने, आज ये नवंबर महीना है, अगर ये लोग जो आपके पीछे या पलवन के पीछे ये लोग बोल रहे हैं कि भाई पलवन यहां करे वहां करे ऐसा इसके साथ बात करे उसके साथ मिले हुए है, भाई वो मार्च महीने का निकाल कर देखो अभी भी YouTube पर आपको मिलेगा, पहलवान अपने कमिटमेंट से ना 2014 को पीछे हटेंगे और ना 2024 को पीछे हटेंगे। आदमी जब कोई चीज पर पहुंचता है, जब बुलंदी पर पहुंचता है तो उसे क्या लगता है कि भाई मैं और मेरे जो चाहने वाले हैं उनको साथ में लेकर चलना। अब जो आदमी बुलंदी पर पहुंचा ही नहीं उसे क्या मालूम नीचे वालों की हालत क्या है। पैसों के जोर पर सब कुछ चल रहा है मेरे भाई, पैसा सब कुछ नहीं है। आज आप मेरे सभी भाइयों से गुजारिश है, मेरे सभी मावसियों से गुजारिश है, मेरे बहनों से गुजारिश है, एक मराठी मना है गरीबाचा लेवारी प्रत्येक संकटात आपल्या उठून येणाऱ्या माणसाला निवडून द्या, ही माझी सगळ्यांना विनंती आहे।